सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो देखो, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम यहाँ पर तुम्हारे लिटरेचर का आंसर की डिस्कस करने वाले हैं, एमसीक्यूज और बाकी सारा क्वेश्चंस का। तो सबसे पहले एमसीक्यूज में देखो, पहला क्वेश्चन का आंसर होगा इन अ मोनेस्ट्री। पोर्शा किधर जाती है? मोनेस्ट्री में, मतलब वो ये बताकर जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर तुम्हारा इसका ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट, वेंचफुलनेस। देन मूविंग अहेड टू क्वेश्चन नंबर थ्री, यहाँ पर देखो क्वेश्चन थोड़ा ब्लर हो गया, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पोर्शा एंड नेरिसा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर, आई होप यू आर गेटिंग एवरीथिंग करेक्ट। काफ़ी इजी एमसीक्यूज आया था इस बार। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्वालिटी ऑफ मर्सी स्पीच, मैंने तुम्हें बोला था कि तुम्हें अच्छे तरीके से पढ़ना है, ये तुम्हारा यहाँ पर एमसीक्यूज में आ सकता है, और देखो यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर तुम्हारा क्वालिटी ऑफ मर्सी पोर्शा टू शाइलॉक, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट यहाँ पर तुम्हारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फाइव, क्वेश्चन फाइव का यहाँ पर आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एंटोनियो का ग्लव लेती है और यहाँ पर बसानियो का रिंग वो मांगती है। तो यहाँ पर डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सिक्स, क्वेश्चन सिक्स क्या है इसका, यहाँ पर तुम्हारा राइट ऑप्शन क्या होगा? क्वेश्चन नंबर सिक्स का ऑप्शन होगा बी, ब्रॉड गुड न्यूज़ फॉर लोरेंजो एंड एंटोनियो। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन, क्वेश्चन नंबर सेवन का ए होगा, नॉट बोला है, नॉट ट्रू, तो फर्स्ट बाकी सारा ट्रू है, दिस इज़ नॉट ट्रू, सो फर्स्ट वन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दिस इज सेवन, सो क्वेश्चन नंबर सेवन होगा, दिस इज़ क्वेश्चन नंबर एट, तो क्वेश्चन नंबर एट का आंसर होगा बी, इट हैज़ एलिमेंट्स ऑफ मैजिक एंड फैंटेसी, लिटिल मैच गर्ल का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर नाइन, क्वेश्चन नाइन का तुम्हारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टेन, क्वेश्चन टेन का यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। डी करेक्ट होगा, 2, 1, 4, 3, दिस इज़ द ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर इलेवन, क्वेश्चन 11 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, हिटलर। फिर क्वेश्चन नंबर 12 का राइट ऑप्शन विल बी बी, बी इज़ करेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 का देखो राइट क्या होगा। फॉर क्वेश्चन नंबर 13 ए इज़ करेक्ट, ही ओपन्स हिज थ्रोट टू सिंग। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14, सो क्वेश्चन नंबर 14 है सी, टू नाइट इन सक्सेशन, सो सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, सो क्वेश्चन 15 का यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन सॉरी बी होगा यहाँ पर करेक्ट, बी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16 है टू बेट फिश विद ऑल वाला भी, देखो मैंने तुम्हें बोला था कि इंपॉर्टेंट है, एक्सट्रैक्ट में कराया था, लेकिन मैंने तुम्हें बोला था कि ये तुम्हारा शॉर्ट में आ सकता है, तो आया था। अब जो लास्ट वाला है क्वेश्चन नंबर 16, इसका डी करेक्ट होगा। अब देखो सेक्शन बी से मैंने तुम्हें बोला था कि यहाँ पर एक्ट फाइव आएगा, लेकिन एक्ट फाइव यहाँ पर नहीं आया। पर मैंने तुम्हें ये भी बोला था कि तुम्हें बैकअप में यहाँ पर मैंने यहाँ पर कुछ यहाँ पर मार्क करवाया था इंपॉर्टेंट स्पीचेस, अगर तुमने वो वीडियो नहीं देखा है तो तुम जाकर चेकआउट कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी यहाँ पर बोला था कि यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, जितना भी मैं इंपॉर्टेंट स्पीच मार्क करवा रही हूँ वहाँ पर तुम्हें उसको गो थ्रू करना है और सारा कुछ देख लेना है। सो अवे देन, आई एम लॉक्ड इन वन ऑफ देम, ये मैंने तुम्हें मार्क करा रखा था। ये तुम्हारा बसानियो जबकि राइट कैस्केट चूज़ करता है, उससे पहले यहाँ पर ये पोर्शा स्पीच देती है, अवे देन आई एम लॉक्ड इन वन ऑफ देम, तो ये वाला आया था। तो दो ठो था, एक करना यहाँ पर कंपलसरी था दोनों में से। सो आई होप कि तुमने यहाँ पर अच्छे तरीके से किया है, ईजी था सारा क्वेश्चंस। तो आई होप कि तुम्हारा ये दो जो क्वेश्चंस आया था एमओवी से, दो में से एक एक्सट्रैक्ट तुमने किया होगा। काफ़ी लोगों ने यहाँ पर तुम लोग में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि हमने पहला वाला किया था, तो तुमने फर्स्ट वाला एमओवी से किया था या सेकेंड वाला एक्सट्रैक्ट किया था, ये चीज़ तुम लोग मुझे नीचे कॉमेंट करके बताओ। उसके बाद देखो, मैंने यहाँ पर तुम्हें इंपॉर्टेंट स्टोरीज एंड यहाँ पर इंपॉर्टेंट पोएम्स के ऊपर वीडियो बनाया था, और मैंने ये बोला था कि तुम्हें यहाँ पर पोएम्स एंड स्टोरीज से कौन कौन सा करना है, और जो हमने गेस किया था बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन आया, सेम टू सेम चैप्टर से। हमने यहाँ बोला था कि ब्लू बीड इंपॉर्टेंट है, देखो ब्लू बीड लास्ट टाइम नहीं आया था तो इस बार क्वेश्चन आया था, तो ब्लू बीड आई होप तुम सभी यहां पर पढ़ के गए थे अच्छे तरीके से। ब्लू बीड थोड़ा लेंदी चैप्टर था लेकिन मैंने बोला था पढ़ के जाने। माय ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज से क्वेश्चन आया था, मैंने बोला था कि ये भी इंपॉर्टेंट है, सो आई होप कि तुम सभी पढ़कर गए थे, मैंने बोला था कि पहले ये पढ़ लो। फिर यहाँ पर सेक्शन डी जो पोइट्री है, पोइट्री से मैंने बोला था कि एबोपेन एदम इज इंपॉर्टेंट, और साथ ही साथ पेट्रियोट आया था, सो पेट्रियोट भी मैंने बोला था कि पेट्रियोट भी इस बार चांसेस है कि बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पर तुम्हारा सेक्शन सी एंड डी से तुम्हें पोइट्री एंड प्रोज से सब कुछ कॉमन मिल गया, और जो तुम्हारा यहाँ पर मर्चेंट ऑफ वेनिस है इसका मैंने देखो यहाँ पर मार्क करवा रखा था, तुम जाकर इंपॉर्टेंट स्पीचेस वाला वीडियो देख सकते हो। तो अगर तुमने सब कुछ फॉलो किया था जो जो मैंने तुम्हें बताया था, तो डेफिनेटली तुम्हारे यहाँ पर काफ़ी अच्छा मार्क्स आएगा लिटरेचर में। आई होप कि तुमने सब कुछ टाइम पर खत्म किया होगा। और यहाँ पर जो एमसीक्यूज है इसके अंदर टू बेट फिश विद ऑल, ये वाला मैंने बोला था टू बेट फिश विद ऑल, ये शाइलॉक का स्पीच इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, वहां से क्वेश्चन आया। क्वालिटी ऑफ मर्सी स्पीच विच वॉज गिवन बाय पोर्शा, यहां से भी क्वेश्चन आया था, और यहां पर एक्ट फाइव का कुछ कुछ क्वेश्चन यहां पर तुम्हारा एमसीक्यूज में आया था।
तो ये सारा चीज़ हमने यहाँ पर डिस्कस किया था, तो आई होप तुम्हारा यहाँ पर बेनिफिट हुआ होगा। और देखो अब नेक्स्ट एग्जाम तुम्हारा हिस्ट्री सिविक्स का है, हिस्ट्री सिविक्स के लिए तुम क्या कर सकते हो, 2 दिन का गैप है तो यू आर गेटिंग 2 डेज गैप, तो 2 दिन के अंदर तुम्हें क्या करना है, 2 दिन के अंदर जितना भी क्वेश्चंस है जो तुम्हें आता है, स्पेशली जो लॉन्ग क्वेश्चंस है जो तुमने अभी तक पढ़ रखा है अच्छे तरीके से, उसको एक बार रिवाइज करना पहले, अभी स्टार्टिंग में आज पहले रिवाइज करना, और उसके बाद ही तुम्हें न्यू क्वेश्चंस पे आना है। और जो लोग यहाँ पर देखो ई बुक से पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली तुम्हें कुछ बुक भी फॉलो नहीं करना पड़ेगा, जो भी यहाँ पर ई बुक्स के अंदर क्वेश्चन है सब कुछ अच्छे तरीके से करो, डेफिनेटली तुम लोग 90+ के ऊपर मार्क्स लाओगे अगर तुम यहाँ पर कुछ भी नहीं छोड़ते हो और ई बुक्स का सारा क्वेश्चन कर लेते हो। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, काफ़ी लोग बोल रहे थे कि वहाँ से हम लोग सेलेक्ट करके पढ़ेंगे, देखो मेरा यहाँ पर पर्सनल सजेशन है कि यहाँ पर तुम्हें कुछ भी यहाँ पर सेलेक्ट करके नहीं पढ़ना है, ई बुक के अंदर हमने जो भी चैप्टर्स दिया है, मतलब जो भी तुम्हारा चैप्टर्स है, टोटल चैप्टर्स सारा चैप्टर्स दिया हुआ है, सब कुछ अच्छे तरीके से करना, प्लीज़ नॉट सेलेक्ट द चैप्टर्स एंड स्टडी, बिकॉज शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs के लिए क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। और इस तरीके से मैंने यहाँ पर ई बुक प्रिपेयर किया है कि जहाँ पर जो तुम्हारे MCQs है, अगर MCQs के अंदर वो क्वेश्चन नहीं है तो वो तुम्हारा शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर है, अगर शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर नहीं है तो वो तुम्हारा लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर है। तो इसलिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है मैंने यहाँ पर रिपीट नहीं किया, सपोज MCQ में ऑलरेडी कोई क्वेश्चन है 1 मार्क्स का, तो यहाँ पर मैंने सेम चीज़ को शॉर्ट के अंदर इंक्लूड नहीं किया है, और अगर शॉर्ट में है तो लॉन्ग में इंक्लूड हो सकता है, लेकिन लॉन्ग वाला क्वेश्चन जो है, लॉन्ग वाला क्वेश्चन में सपोज यहाँ पर 4 पॉइंट तुम्हें लिखना पड़ता है, तो वही चीज़ जबकि मैंने शॉर्ट में प्रोवाइड नहीं किया है, बिकॉज लॉन्ग तुम ऑलरेडी कर रहे हो, यहाँ पर अगर तुमने 4 पॉइंट्स पढ़ा है लॉन्ग पर्सपेक्टिव से, तो यहाँ पर शॉर्ट जो होगा, शॉर्ट क्वेश्चन, इसमें तुम ऑलरेडी 2 पॉइंट लिख सकते हो। तो इसलिए मैंने इस तरीके से प्रिपेयर किया कि तुम यहाँ पर सेलेक्ट करके नहीं पढ़ सकते, तुम्हें सारा ही चैप्टर्स अच्छे तरीके से करना है। बट येस, तुम्हें यहाँ पर जो क्वेश्चंस है जितना पूछा गया है उतना ही लिखना, नहीं तो तुम्हारा यहाँ पर मार्क्स चला जाएगा। हिस्ट्री सिविक्स के लिए अच्छे तरीके से प्रिपरेशंस करो। आई होप कि तुम सभी का बहुत ही अच्छा आज एग्जाम्स गया होगा। टेल मी दैट इन द कमेंट सेक्शन कि तुम कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो इन योर लिटरेचर। और MCQs तुम्हारा यहाँ पर देखो, MCQs में कितना आ रहा है आउट ऑफ 16, कितना राइट हुआ MCQs, ये चीज़ तुम लोग मुझे नीचे कॉमेंट करके बताओ। आई होप कि 14-15 राइट हुआ होगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।